आगामी 28 और 29 सितंबर को शहर में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट का एक दो दिवसीय सम्मेलन होने जा रहा है। इस बात की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान डॉक्टर उदय सोमशेखर और डॉक्टर पंकज असाडी के द्वारा दी गई। इस सम्मेलन में पेट की समस्याओं से संबंधित विशेषज्ञ भाग लेंगे। देश भर से जाने माने विशेषज्ञों की इस कार्यशाला में भाग लेने की उम्मीद है। जी डॉक्टर साहब, ये जो आपका कार्यक्रम हो रहा है इसमें मतलब टाइमिंग क्या है, कितने बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और क्या क्या इसके मतलब आगे कार्यक्रम रहेंगे? बेसिकली ये करीबन डेढ़ दिन का कार्यक्रम है। कल सुबह 8 बजे से स्टार्ट होगा, जब रजिस्ट्रेशन वगैरह की प्रक्रिया शुरू होगी, और जो साइंटिफिक एकेडमिक जो एक्टिविटी है वो करीब सुबह 9 बजे से स्टार्ट होगा। ये जो सब व्याख्यान वगैरह रहेंगे वो शाम को करीबन 4:30-5 बजे तक चलेंगे। उसके बाद हम लोगों का जो इनॉग्रेशन फंक्शन है वो करीबन शाम को 6:30 बजे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। उसमें चीफ गेस्ट के रूप में हम लोगों ने अपने जो सांसद साहब आशीष दुबे जी, उन्हें निमंत्रण दिया है और उन्होंने अपने व्यस्त पूरे कार्यक्रम के बाद भी कुछ समय निकालने के लिए निकाल के हमारे पास कर आएंगे। इसके अलावा जो गेस्ट ऑफ ऑनर हैं इस फंक्शन में, हमारे मेडिकल मध्य प्रदेश के जो मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी है उसके वाइस चांसलर डॉक्टर अशोक खंडेलवाल और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर नवदीप सक्सेना, वो गेस्ट ऑफ ऑनर रहेंगे। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में हम अपने कुछ जो हमारे पूर्व जो हमारे टीचर्स रहे हैं उनका भी इस फंक्शन में हम उनका फेलिसिटेशन करेंगे, जिससे कि हम अपना उनको आभार व्यक्त कर सकेंगे जो उन्होंने हमारे जीवन में हमें बनाने में जो उनका रोल रहा है उसके प्रति हम उनको धन्यवाद व्यक्त करेंगे। इसके बाद फिर शाम को डिनर का कार्यक्रम रहेगा, उसमें आप सब आमंत्रित हैं। और फिर अगले दिन जो इस बार के दिन सुबह है, सुबह फिर से 9 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा। उसमें कुछ क्विज कुछ प्री पोस्टर कॉम्पिटिशन वगैरह जो रहते हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स वगैरह रहे हैं उनकी तरफ से जो पेपर्स प्रेजेंट होंगे उनका कॉम्पिटिशन रहेगा। उसके बाद दोपहर का कार्यक्रम है, उसमें फिर से जो अलग अलग व्याख्यान रहेंगे, और फिर संडे आफ्टरनून में लंच कार्यक्रम के बाद सबका वो कार्यक्रम फिर शरीर में पीछे छुपा रहता है, उसके सामने बहुत सारे अंग रहते हैं, उसके सामने वो पीछे छुपा रह जाता है। पर पैंक्रियास एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, उसके दो मुख्य काम रहते हैं। एक तो अपन तो जो इंसुलिन पदार्थ बनाता है, इंसुलिन अपन जानते हैं कि सब शुगर को कंट्रोल करता है। दूसरा उसका काम ये रहता है कि जो पाचन के सब पदार्थ बनते हैं वो जो रस बनता है वो पैंक्रियास द्वारा बनता है। आमतौर पर सबको ये धारणा रहती है कि लिवर में जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन से संबंधित है, लेकिन वास्तविक तौर में जो पाचन से संबंधित जो मुख्य अंग है वो पैंक्रियास है। और पैंक्रियास की कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, जो सूजन से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं। पैंक्रियास में अचानक से सूजन आ जाती है, जो किसी थैली की पथरी या अल्कोहल की वजह से हो, या कभी कभी लंबे समय पैंक्रियास छोटा होने छोड़ने लगता है, जो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस के बाद। और स्पॉट जरा सीरियस और बड़ी बीमारी होती है जो पैंक्रियाटिक कैंसर रहते हैं, कई और बीमारियां हैं जो पैंक्रियास से संबंधित होती हैं। उनके अलग अलग किस्म के इलाज है, कुछ चीज़ों के लिए अपन दवाओं से इलाज कर सकते हैं, कुछ ऑपरेशन की आवश्यकता रहती है। पर पैंक्रियास की जो ज़्यादातर बीमारियां थोड़ी जटिल समस्याएं रहती हैं और उनमें कई में लंबे लंबे समय का भी इलाज जरूर पड़ती है। डॉक्टर साहब, आज के दौर में जो बदलते वक्त में खान पान बदला है, लोगों की आदतें भी बदली हैं, तो पेट से रिलेटेड क्या नई समस्याएं सामने आ रही हैं और उसको कैसे प्रिकॉशन क्या लिया जा सकता है? जैसा आपने बताया कि आज में जीवन बहुत फास्ट हो गया है, किसी के पास समय नहीं है अपने शरीर के लिए। खान पान में लोग ध्यान नहीं देते हैं कि नियमित जीवन में सुबह उठ के अपना एक्सरसाइज करना, नियमित भोजन करना, जंक फूड आज के समय में सबसे बड़ी समाज की परेशानी है। इससे लीवर में फैटी लीवर होने की संभावना सबसे ज्यादा बढ़ती है, जैसे लीवर में सूजन होना, लीवर फेलियर तक, लीवर सिरोसिस तक होने की संभावनाएं हो सकती है। तो
इन चीजों का ध्यान रखना अपने जीवन में, खान पान का संयम, कैलोरी इनटेक है, प्रॉपरली एक्सरसाइज, सुबह उठ के अटलीस्ट 1 घंटे अपने एक्सरसाइज के समय दें, समय से सोएं, समय से जाकर अपने तनाव रहते जीवन में बहुत जरूरी आज के जमाने में, इसमें ताकि अपने शरीर को समझ ले सके और बीमारी से बच सके। यस इस कॉन्फ्रेंस में हमारे देश और हमारे प्रदेश के बड़े बड़े चिकित्सक करेंगे और बीमारियों से संबंधित जानकारी सब और डॉक्टर से भी शेयर करेंगे। कहाँ से डॉक्टर जो डॉक्टर जो अपने शहर के बाहर से आ रहे हैं, राज्य के बाहर से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, मुंबई से आ रहे हैं, जयपुर से आ रहे हैं, तो ऐसे कई और चंडीगढ़ से आ रहे हैं, तो जो अपने देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, PGI चंडीगढ़ है, KIT हॉस्पिटल हैदराबाद है, गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली है, तो ऐसे बड़े बड़े जो अपने देश के जो अस्पताल हैं वहाँ पर आ रहे हैं। इसके अलावा अपने शहर राज्य से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सागर, रीवा, सभी जगह से जो गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी से संबंधित जो चिकित्सक हैं वो सब आगे सर इसका करने का क्या उद्देश्य है? जो आने वाले 28 सितंबर को जो लोग गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ताकि इससे हमारे चिकित्सकगणों जो जोड़ों में हैं, हमारे मेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राओं उनसे संबंधित का ज्ञान का आगे अपडेट हो और उनको मरीजों को अच्छा उपचार मिल सके। मैं डॉक्टर पंकज साठी।